मीठा खाना हम सभी को पसंद है, मगर ज़्यादा शुगर इंटेक हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आज हम एक ऐसी डिज़र्ट की रेसिपी देखेंगे जिसे आप गिल्ट फ्री होकर हेल्थ और टेस्ट के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए एंजॉय कर सकोगे। घर में अवेलेबल होने वाले बेसिक इंग्रेडिएंट से आज हम बनाएंगे शुगर फ्री साबुदाना खीर। हम देंगे इसे एक अनोखा सा ट्विस्ट और इसे चार अलग अलग फ्लेवर्स की खीर बनाएंगे। चलिए बनाते हैं इसे। सबसे पहले हमें 1/2 लीटर दूध को गर्म करना है। हमें टैपियोका या फिर साबुदाने को 1 घंटे के लिए भिगोना है, उसमें से एक्सेसिव पानी निकाल लेना है और फिर उसे हम बॉइलिंग दूध में डाल देंगे। हमें साबुदाने को 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है और फिर हम इसमें डालेंगे आधा कप हनी। अगर आपके पास हनी ना हो तो आप इसमें जागरी यानी कि गुड़ या फिर आप खजूर को ब्लेंड कर कर भी यूज़ कर सकते हो। आपके जो भी फेवरेट ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो रोस्ट कर लीजिए, उसको आप चाहो तो फाइनली चॉप कर सकते हो या फिर मैंने यहाँ पे उसे पाउडर फॉर्म में डाला है, इसकी वजह से इसको काफ़ी अच्छा थिक टेक्सचर आता है। नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पे थोड़े से फाइनली चॉप खजूर के पीसेस डाले हैं। आप चाहो तो खजूर को ब्लेंड कर कर उसका पेस्ट भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन फिर ध्यान में रखिए थोड़ा कम ही हनी डालिए, ज़्यादा स्वीट ना हो जाए। बिल्कुल रेडी है हमारी हेल्दी टेस्टी शुगर फ्री साबुदाना खीर। अब हम देंगे इसे अनोखा ट्विस्ट। सबसे पहले हम बनाएंगे हनी ड्राई फ्रूट फ्लेवर्ड खीर। हम इसके ऊपर थोड़ा सा इलायची पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़े से फाइनली चॉप खजूर डालेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स, तो बिल्कुल रेडी है हमारी हनी ड्राई फ्रूट शुगर फ्री साबुदाना खीर। नेक्स्ट हम बनाएंगे रोज फ्लेवर्ड खीर। मैंने यहाँ पे थोड़े से रू अफजा फ्लेवर के फूड कलर ड्रॉप्स डाले हैं। आप चाहो तो इसमें रू अफजा यूज कर सकते हो या फिर रोज वाटर भी यूज कर सकते हो। कलर पर्पजेस के लिए आप चाहो तो बीटरूट के एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन इसे ध्यान से यूज कीजिए नहीं तो फिर बीटरूट का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। बिल्कुल रेडी है हमारी शुगर फ्री रोज फ्लेवर्ड साबुदाना खीर। नेक्स्ट फ्लेवर काफी अनोखा है, मैंने इसमें 1/4 टेबलस्पून कोको पाउडर डाला है और 1 पिंच इंस्टेंट कॉफी पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से चोको चिप्स। मेरे पास चोको चिप्स नहीं थे तो मैंने इसके ऊपर डेट्स डाल दिए। चोको कॉफी खीर बिल्कुल रेडी है। आम का सीजन चल रहा है तो मैंगो खीर बनाना तो जरूर बनता है। मैंने यहाँ पे होममेड अनस्वीटेड मैंगो पल्प लिया है 1 टेबलस्पून। अब ध्यान में रखिए कि मैंगो पल्प और खीर दोनों ही ठंडे होने चाहिए जब आप इन्हें इनकॉर्पोरेट करोगे तब। बिल्कुल रेडी है हमारी मैंगोलिशियस शुगर फ्री साबुदाना खीर। तो अब से हेल्थ और टेस्ट दोनों के साथ ही कॉम्प्रोमाइज ना करे, गिल्ट फ्री होकर इस डिजर्ट को एंजॉय करे। इसे रेफ्रिजरेट कर कर ही खाइए, इसका टेस्ट काफी एनहांस हो जाएगा। इस हेल्दी टेस्टी और यूनिक रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। आपको कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें।